अब सीधे रुख करते हैं बीआईटी मेसरा का, जहां दीक्षांत समारोह हो रहा है और सीएम संबोधित कर रहे हैं। जबकि उस समय बिहार में हम सब लोग कि 1942 में देश का ये तीसरा तकनीकी संस्थान, सोच अलग अलग तरीके के काम करने वाले लोग, चाहे व्यापारी हों, चाहे साइंटिस्ट हों, चाहे जो एक नई ऊंचाई की ओर जाने की सोच रखते हैं, उन लोगों ने इस प्रदेश को अपने नजरों से बिल्कुल बहुत अलग तरीके से सजाने का प्रयास भी किया है। आपको पता है, जैसे कि अभी हम लोगों ने इस बात को सुना कि ये देश का तीसरा तकनीकी संस्थान है जो झारखंड में, जिसको आज हम कहते हैं झारखंड, यहां बना। इसी तरीके का HSE, जैसे मदर इंडस्ट्री कहते हैं उद्योगों का, वो भी इसी राज्य में बना। देश का सबसे बड़ा, सबसे पहला जो फर्टिलाइजर इंडस्ट्री है वो भी इसी राज्य में बना। एशिया का सबसे बड़ा स्टील इंडस्ट्री, बोकारो स्टील सिटी भी, स्टील प्लांट भी इसी राज्य में बना। कई चीजें हैं जो मुझे लगता है इस राज्य को अनेकों तरीकों से देखा गया, और इसी राज्य में मुझे लगता है देश का पहला और आखिरी माइनिंग इंस्टीट्यूट भी हमारे ही राज्य में रहा है, जो आज बदलकर IIT बन गया है, ISM जैसे संस्था यहां पर बनी। हजारों की संख्या में BIT मिश्रा ने इंजीनियर बनाए, अलग अलग कंपनी अलग अलग देशों में भी आज बड़े मजबूत और ऊंचे पदों पर भी लोग काम कर रहे हैं। सिर्फ इंजीनियर ही नहीं, बल्कि झारखंड प्रदेश में सबसे अधिक IAS IPS भी यहां से लोगों ने बन करते बाहर निकलने का काम, जिसको हम नेतरहाट स्कूल, यहां जो हमारा इसी राज्य में अवस्थित है, ना जाने कितने IAS IPS इसने बनाया। कहा जा सकता है कि इस प्रदेश से कई ऐसी चीजें बन के निकली हैं। अभी कल परसों ही एक चंद्रयान जो भारत का है वो चंद्रमा की ओर गया, तो उसको जो भेजने वाला प्लेटफॉर्म बना था उस शटल का, वो भी अभी इसी HSE में बन के गया था। लेकिन कहा जा सकता है कि हर चीज की एक उम्र होती है, बचपन से लेकर जवानी तक लोग अलग अलग तरीके से अलग अलग क्षमता के साथ काम करते हैं, और सभी उद्योग घराने ने, सभी उद्योगों ने अपने क्षमता के अनुरूप काम किया। लेकिन आज HSE इस बुढ़ापे की उस कगार पर है
कि वो अपना गुजर बसर कैसे करे, इसकी उसको चिंता हुई रहती है। लेकिन अगर थोड़ी सोच के साथ हम पढ़ें तो ये सारी चीजें कभी बूढ़े नहीं हो सकते थे, बल्कि और ऊर्जा और क्षमतावान के साथ काम कर सकता था अगर उसी उम्र की के चीजों को देखें और उसी वक्त के चीजों को देखें। तो उदाहरण के तौर पर यह बीआईटी मेसरा खड़ा है, जहां आज के दिन में भी लगातार एक नए आयाम को छू रहा है। और इसके पीछे कारण यह है कि इसके साथ जुड़े हुए लोग, और उनकी ईमानदार प्रयास, और ये ईमानदार प्रयास ही आज इस संस्था को और इतने बड़े समूह को एक अनुशासित ढंग से और बेहतर तरीके से आगे ले जाने का काम कर रही है। लगभग 10,000 लोग, 10,000 बच्चे अलग अलग संस्थानों में शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं, हजारों की संख्या में उससे जुड़े टीचिंग नॉन टीचिंग सदस्य जुड़े हुए हैं। कई चुनौतियां भी हैं, कई समस्याएं भी आती हैं, और उसका समाधान भी निकालने का प्रयास संस्था की तरफ से दिन और रात लगकर की जाती है। आज शायद कॉलेज में छुट्टियां चल रही है, नहीं तो इस हॉल में बैठने का जगह नहीं मिलता। इस परिसर, इस कैंपस को हम लोगों ने उस समय देखा था जब इसके न उधर छत होता था न इधर छत होता था, जंगलों के बीच में। अब तो चूंकि बदलाव भी ऐसा है कि जरूरत के हिसाब से जो एक बदलाव और जो जरूरत है उसको भी सामंजस्य करते हुए परस्पर ये परिसर आगे बढ़ रहा है, और इसी का सामंजस्य नहीं बना पाने की वजह से कई संस्थाएं थोड़ी पीछे चली जाती हैं। ये सौभाग्य की बात है कि आज एक छात्र होने के नाते भी मैं यहां पर रहा, और कह सकता हूं कि आज एक गार्जियन के रूप में भी यहां पर आपके बीच में हूं, और दोनों जिम्मेवारी हम लोगों ने हम लोगों के हिस्से में निभाने का मौका मिला है। कुछ चीजों को लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। News 11 भारत, सच है तो दिखेगा।